नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। बहुत लेट ही सही, लेकिन यूक्रेन पर बातचीत हम लोग आज कर रहे हैं। इस बीच बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो चुके हैं। भारत का रोल दुनिया में, एक पश्चिमी हिस्सा जो दुनिया का है, जो दुनिया में सबसे प्रभावशाली स्थिति में है, उसकी आलोचना का विषय है। बहुत सारे मानवाधिकार के लिए काम करने वाले लोगों की भी आलोचना का विषय, लेकिन एक राष्ट्रीय माहौल पहली बार दक्षिणपंथी खेमे में रूस के पक्ष का बन गया। वरना हमारे देश में ज्यादातर दक्षिणपंथी खेमे की राजनीति जो थी और उसके जो शीर्ष नेतागण थे, वो अमेरिका के फैसलों के साथ होते नजर आते थे। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी भी अमेरिका से अपने रिश्तों को बेहतर करने की ऐसी ऐसी कोशिशों में मशगूल पिछले अतीत में मिले हैं जो सामान्य नहीं थी। वहां के चुनाव प्रचार तक में चले गए थे पिछले राष्ट्रपति के, लेकिन इस बार एकदम बिल्कुल समरसॉल्ट है, एकदम नई स्थिति है। तो इन सारी चीजों पर बात करना बहुत कॉम्प्लेक्स विषय है ये दरअसल। और दुनिया में जिस तरह से जो संचार के साधन है उसका जिस तरह से नियंत्रण है, और जिस तरह से विचार बनते और बिगड़ते हैं आज की दुनिया में, और जो सार्वभौम नियम कानून है मनुष्यता के लिहाज से जो बनाए और स्वीकार किए गए हैं, कैसे उनकी धज्जियां उड़ती हैं, इस युद्ध में हम लोग देख पा रहे हैं उसको। इन्हीं सब मुद्दों पे बात करने के लिए आज मैंने फिर से हमारे सहयोगी मित्र और अग्रज राजू शर्मा जी को एंगेज किया है, जो आप जानते हैं एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। और ये संयोग ही है कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी भारत का एक विषय विशेष में काफी समय तक प्रतिनिधित्व भी किया है। तो उन्होंने इसके लिए अपना विषय, जो मेरे सवाल थे कुछ जो मैं अभी करूंगा आपके सामने, उसको नए सिरे से देखा भी है। और कल आप जानते ही हैं कि हमारे एक दक्षिणपंथी खेमे के बड़े नाम, लेकिन आजकल उस खेमे में उपेक्षा के शिकार सुब्रमण्यम स्वामी जी का लेख भी आया है, इस पर द हिंदू में उन्होंने लिखा है, वो भी हमारी बातचीत का विषय रहेगा। तो मैं पहले इस युद्ध पर कोई सवाल लूं, सबसे पहले राजू शर्मा जी को निमंत्रित करता हूं कि वो जरा सा दो शब्द प्रारब्ध में वो भी बोल दें, फिर हम लोग इस चर्चा को शुरू करते हैं। स्वागत है। नमस्कार शीतल जी, एक अलग किस्म का विषय आपने आज लिया है। हालांकि सत्य हिंदी पे और विशेष रूप से आपके और हमारे बीच में विदेशी मसलों पर बातचीत का सिलसिला कभी रहा नहीं, लेकिन मैं शुरू में ही ये बात साफ कर दूं कि विदेशी मसले या दूसरे देशों से संबंधित कोई मसला या युद्ध का मसला, ये कोई ऐसा नहीं है कि केवल विदेश नीति का या डिप्लोमेसी का या राजनयिक कूटनीति जिसे कहते हैं या राजनयिक नीतियां जिसे कहते हैं उसी का मसला है। मानवता का मसले अल्टीमेटली ये होते हैं, और यूक्रेन और रूस के बीच में जिस तरह का युद्ध छिड़ा है, आज उसको 27 दिन मेरे ख्याल से 26 या 27 दिन हो रहे हैं, जो कि अच्छा खासा अवधि हो गई है, जो जिसका अंत नजर नहीं आ रहा है। ये एक बड़ी और विकट मानव समस्या है, जहां पर करीब 33 लाख लोग बेघर होकर रेफ्यूजी बन के दूसरे देशों में चले गए हैं। हमको नहीं पता कितनी संख्या में मृत्यु हुई है रूसी फौज की या उनके जो आक्रमणकारी हैं उन लोगों की, और यूक्रेन के जो सामान्य नागरिक या उनकी जो आर्मी है उसकी, बच्चे, महिलाएं, निराश्रित। तो ये एक बहुत बड़ी त्रासदी त्रासद सिचुएशन है, जिसकी अपेक्षा 21वीं शताब्दी में दूसरे विश्व युद्ध के लगभग 80 साल बाद अपेक्षित, जिसकी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। चूंकि हम ये मान के चलते हैं कि दुनिया विकास
की राह में आगे बढ़ती है, सोच में भी विकास और टेक्नोलॉजी में भी विकास। तो हम कम से कम मैं इस बहस में जब आगे हिस्सा लूंगा तो ठीक है, मैं जिक्र जरूर करूंगा कि जो विशेषज्ञ हैं जो समझते हैं कि ये पूरा मसला उन्हीं की बपौती है या उन्हीं के नजरिए से देखा जाना चाहिए, उसकी खिलाफत मैं करना चाहूँगा या उसके अलावा दूसरा पक्ष भी रखना चाहूँगा, और इस लिहाज से हम बातचीत को आगे जारी रखेंगे। तो आप ये देखें कि आप सवाल के जरिए आगे चर्चा बढ़ाना चाहते हैं या किस तरह से करना चाहते हैं। जी मैं आपसे सवाल ही करना चाहूँगा। सबसे पहले तो नैतिक रूप से तो ये सीधा नजर आता है कि दुनिया में कहीं भी किसी को, चाहे वो बड़ा देश हो और महाशक्ति हो या कुछ भी हो, उसको किसी भी नागरिक आबादी पर या किसी भी देश पर इस तरह से हमला करने का हक नहीं होना चाहिए, और इस तरह से लोगों को मार देने का या उनको कठिनाइयों में डाल देने का, शरणार्थी बना देने का हक नहीं होना चाहिए। ये एक बिल्कुल मतलब समझ में आने वाला सीधा सरल तर्क है। लेकिन जो ये हुआ है, इसमें आपके हिसाब से ये क्यों हुआ है? देखिए, इसमें जो दो तीन पक्ष हैं या दो तीन तरीके हैं जो इस बहस में सबसे आगे और सबसे जिसे कहते हैं भारी रहे हैं। एक पूरा जो, और इसमें आपने देखा होगा कि टेलीविजन पर भी और लेखों में भी तमाम ख्याति लब्ध जो पुराने हमारे राजनयिक हैं, NSA जो रहे हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस के जो लोग रहे हैं, जो जर्नलिस्ट इस फॉरेन पॉलिसीज में विशेषज्ञता रखते हैं, या जो UN एजेंसीज में या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में काम करते हैं, वो लोग सबसे ज्यादा इसमें मुखर होकर सामने दलीलें देते हुए देखे गए, देश में भी और डिफरेंट अमेरिका में या यूरोप में या दूसरे महाद्वीपों में किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं या खेमे हैं या सोच है, इसकी भी जानकारी आम है। भारत में जिस तरह से ये जो पूरी बहस या रवैया रहा है इस पूरे प्रकरण के प्रति, रूस और यूक्रेन के बीच के युद्ध के परिप्रेक्ष्य में, एक तो ये रहा है कि भारत, हर देश की तरह भारत को भी अपनी अपना जो उनके इंटरेस्ट हैं, जो अपने देश की जो हित है, उसको सर्वोपरि रखकर अपने फैसले करने चाहिए। एक तो ये लाइन रही है। दूसरी लाइन ये रही है कि वो एक पूरी इसका जो इतिहास है कि भाई ये स्थिति यहाँ तक क्यों पहुंची, रूस 1991 में जब उसका वो 15 देशों में विभक्त हो गया, USSR उसके बाद, हाँ USSR, उसके बाद क्या अंडरस्टैंडिंग, समझ, आपसी समझ थी US के बीच में और रूस के बीच में कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद, उसमें नेटो की क्या भूमिका थी, क्या क्या एक दूसरे को आश्वासन दिए गए थे, क्या अपेक्षाएं थी, फिर बीच में कुछ एग्रीमेंट भी हुए, मिंक्स एग्रीमेंट का एक काफी उल्लेख किया जाता है। तो कुल मिलाकर इसमें जो एक बहस बनाई जाती है वो ये बनाई जाती है कि इंपीरियल ताकतें या वेस्ट की जो ताकतें हैं वो हिपोक्रिटिकल हैं, वो आज़ादी और इन सब चीज़ों की वकालत बहुत करती हैं, लेकिन उनको खुद को देखिए कि वो कितने युद्ध में शरीक रही हैं, अफगानिस्तान, वियतनाम से लेके और मिडल ईस्ट वगैरह का जिक्र किया जाता है। और ये कहा जाता है कि भाई ये रूस के साथ लगातार दुर्व्यवहार एक किस्म से कहा जाए तो यूक्रेन के संबंध में या नेटो के संबंध में हुआ, वो ये कि उसके जो अपने
सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं, सुरक्षा के जो उसके अपने स्ट्रेटेजिक जरूरतें हैं उनको ध्यान में नहीं रखा गया। यूक्रेन को हमेशा उकसाया गया कि वो नेटो की मेंबरशिप ले, ईयू की मेंबरशिप ले और दूसरे देशों को नेटो का मेंबर बनाया गया 1991 के बाद से। कई राष्ट्र जो है जो पहले ईस्ट यूरोप कहलाते थे और जो जो रशिया के या तो प्रभाव में थे या उसके भाग थे, उन्होंने नेटो ज्वाइन किया। और फिर जॉर्जिया और यूक्रेन का भी जिक्र आया कि ये लोग भी अब नेटो के लिए एप्लीकेशन देंगे, ईयू के लिए एप्लीकेशन देंगे। जब यूक्रेन बना था तो एक उसके पास काफ़ी न्यूक्लियर वेपन्स हुआ करते थे, एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें उन वेपन्स के ना इस्तेमाल होने के बारे में एक पूरा समझौता हुआ था। फिर आपको याद होगा कि 2014 के आसपास एक चुनाव में जब रूस को सपोर्ट करने वाले राष्ट्रपति हारे और एक दूसरे राष्ट्रपति जीते चुनाव, तो ये एक अभियोग सा लगाया गया या ये कहा गया कि ये यूएस इंटरफेयर कर रहा है और वो जो फूलों की क्रांतियां का जो पूरा एक चीज है इसके बारे में भी कही गई कि वहाँ की जो वेस्ट के संगठन हैं वो वहाँ पर लोगों को प्रभावित करते हैं और रूस के खिलाफ एक एक हवा या एक विचार बनता है। फिर क्रीमिया का एनेक्सेशन हुआ, ये ज़रूर है कि रूस में भी नेशनलिस्ट फोर्सेस कुछ, जिसको हमारे पुतिन साहब न्यू नाजी कहते हैं, ऐसे फोर्सेस थे। बट बहरहाल कुल मिलाकर ये पूरी आर्गुमेंट को अगर सिंप्लीफाई करें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई यूक्रेन में जो इस समय सत्ता है वो थोपी हुई सत्ता नहीं है। एक वहाँ पर राष्ट्रपति हैं जो चुने गए हैं और जब से युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद से तो लगभग ये सिद्ध हो गया है कि वो काफ़ी लोकप्रिय और राष्ट्रीय राष्ट्रपति बन चुके हैं, एक सिंबल बन चुके हैं वहाँ साहस के। और यूक्रेन का जो जनमत है या वहाँ का जो आम नागरिक है उसने जिस तरह से रिएक्ट किया है इस वॉर के प्रति और जिस साहस का प्रदर्शन किया है, जिस तरह से वो लड़ रहे हैं, उस तरह से स्पष्ट है कि यूक्रेन में ऐसा कोई मत नहीं है कि वो कि रशिया आके उनको लिबरेट करेगा या वहाँ या वो रशिया से जुड़ना चाहते हैं या उनके साथ नाइंसाफियां हैं जैसे केवल रूस दूर कर सकता है वगैरह वगैरह। बल्कि अगर वहां पे रेफरेंडम कराया जाए तो शायद ज्यादा लोग ये चाहेंगे कि वो ईयू के सदस्य बने, उनका इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो, शायद नेटो का सदस्य बनना भी चाहेंगे। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि एक एक डिप्लोमेटिक स्तर पर ये सारी चीजें एंगेजमेंट का हिस्सा थी, रूस भी उसमें शामिल था, यूरोप के देश शामिल थे, यूएस शामिल था, बातचीत चल रही थी जिसमें रूस अपनी शर्तें रख रहा था और गारंटियां चाह रहा था। उसमें ऐसा प्रतीत हुआ था बीच में कि उसे कुछ सफलता भी मिली थी, लेकिन अचानक समानांतर जो वो अपनी एक तैयारी, युद्ध का जो एक संकेत और एक डर और एक जिसे कहते हैं पैतरा इस्तेमाल लगातार कर रहे थे, वो आश्चर्यजनक रूप से एक दिन वास्तव में एक आक्रमण कर दिया। तो मेरा जहां तक अपना मत है, मैं असहमत हूं जो विशेषज्ञ ये राय देते हैं कि पर्याप्त कारण, वाजिब कारण है कि रूस ने आक्रमण किया, तो मतलब ये लोग भी करते हैं तो रूस ने किया तो उसको उस लिहाज से देखना चाहिए वगैरह वगैरह, मैं इससे एकदम असहमत हूँ। ये एक बहुत ही क्रूर उदाहरण है 21वीं शताब्दी में, जहाँ एक बड़ा राज्य, जहाँ पर एक लोकप्रिय जनतांत्रिक गवर्नमेंट काम कर रही है, जहाँ के लोगों ने या जहाँ की सरकार ने किसी किस्म का ऐसा रास्ता अख्तियार नहीं किया कि दूसरा देश अपनी सुरक्षा के लिए उस पर आक्रमण करे,
रूस का जो आक्रमण है वो किसी भी लिहाज से स्वीकार्य नहीं है, उसकी भर्त्सना होनी चाहिए और उसकी निशर्त भर्त्सना होनी चाहिए, उसे पूर्व उसके पूर्व के इतिहास पे और के भाई फला ये कर रहे थे और फला ने ये किया या इसके पीछे क्या कारण है, वो एक लीपापोती किस्म की चीज है इन इट सेल्फ, अपने आप में ये एक बहुत ही भयानक चीज रूस के राष्ट्रपति ने की है। और दूसरी चीज जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि रूस कोई जनतांत्रिक देश नहीं है, वहां के जो राष्ट्रपति हैं उनको जनमत हासिल है या रूस की जनता में ये लोकप्रिय निर्णय था कि भाई उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए यूक्रेन पर आक्रमण करना जरूरी हो गया है अपने हित के लिए, वो भी सही नहीं है। ये एक व्यक्ति का निर्णय था, ये एक व्यक्ति की सोच की वजह से ये चीज हो रही है, उनके अपने उनका अपना एक रशिया के बारे में एक व्यू है जिससे आप कौन सहमत होगा। किसी एक व्यक्ति अगर कोई एक मन में विचार लेकर चलता है कि भाई रशिया जो है वो कोई महाशक्ति है और हमारे साथ बड़ी नाइंसाफी हुई कि हम छोटे हो गए या हम देशों में विभक्त हो गए और लेनिन के ऊपर दोषारोपण करना और स्टालिन की बात करना और उसको ऐतिहासिक रूप में ये एक फैसला कर देना कि यूक्रेन तो कभी एक इंडिपेंडेंट राज्य की हस्ती थी ही नहीं, वो तो गलत नीतियों के तहत, यही पुटिन ने शुरू में तर्क रखा था जब कि यूक्रेन को तो एक तरह से राज्य के रूप में अस्तित्व में रहने का कोई खास अधिकार है ही नहीं, और वो जैसे मानो इतिहास की एक गलती को सही कर रहे हैं, इस प्रकार की व्याख्या उनकी उनके मन की व्याख्या है। अब वो व्याख्या किसी भी सूरत में किसी भी हाल में मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया को स्वीकार करनी चाहिए 21वीं शताब्दी में, तो इसकी बुरी बुरी भर्त्सना होनी चाहिए, ये युद्ध समाप्त होना चाहिए। और जहां तक भारत का जो जो रवैया इसमें रहा है, अब उसमें आप कह सकते हैं या ये कहा गया कि भाई हमारे अपने इंटरेस्ट हैं डिफेंस के, रक्षा के क्षेत्र में हम लोग डिपेंडेंट हैं, तो इसलिए भारत ने कम से कम 3 या 4 बार एब्सटेन किया, वोट नहीं दिया। लेकिन जैसे जैसे आप देख रहे हैं समय बीत रहा है, भारत की स्थिति थोड़ी सी कमजोर या क्वेश्चनेबल सी लगने लगी है। आज ही अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी एक कमेंट दिया है जब उनसे क्वाड के बारे में पूछा गया कि भारत जो है वो थोड़ा सा द्वंद्व में फंसा हुआ है इस पूरे युद्ध को लेकर, और अपनी चूंकि एक चीज होती है कि आप ने एब्सटेन किया, ठीक है आप अपने हित में आपने एब्सटेन किया, एक बार किया, पहली बार तो कितनी बार आप एब्सटेन करेंगे, दूसरी चीज आपने कौन से ऐसे स्टेप्स लिए जो कि ये दर्शाए कि आप इस युद्ध के खिलाफ हैं, आप ये समझते हैं या ये मानते हैं कि जो ये युद्ध का डिक्लेरेशन पुतिन साहब ने किया ये गलत था, उसको रोकने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं, आप एक विश्व शक्ति के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करते हो। हमने तो केवल यही सुना है कि टर्की कुछ रोल अदा कर रहा है मध्यस्थता का, कि ये शांति समझौता या ये वॉर खत्म हो, और दूसरी तरफ हमारा बड़ा देश केवल इसमें लगा हुआ है कि वो तेल सस्ते दामों पर रूस से खरीद ले। तो ये कुछ हद तक आप इस पे दलील पेश कर सकते हो, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से इन दलीलों से बिल्कुल असहमत हूँ। मुझे लगता है कि खुलकर आप उनके साथ चलें या बड़ा एक्टिवली आप खिलाफत करें रूस की, इसमें वो ठीक है कि उसमें आपके अपने राष्ट्रीय हित हैं जिनकी जो सुरक्षित होने चाहिए, लेकिन आप बिल्कुल बचे रहें और उनका लगभग साथ देते रहे तो इससे आपकी स्थिति बड़ी विकट हो गई है और आगे और भी विकट हो जाएगी।
मतलब ये देखना कि केवल चीन और भारत एक साथ खड़े होकर बड़े राज्यों में जो कि रूस को क्रिटिसाइज करने से बच रहे हैं, तो ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है देश के लिए। लेकिन हमारे पास विकल्प क्या है, भारत के पास विकल्प क्या है इस, अगर ये नहीं करे भारत तो क्या कर सकता है और उससे भारत को क्या नुकसान हो सकता है? सबसे पहली चीज है कि हर चीज को, जहां पर कूटनीति की बात है, अंतर्राष्ट्रीय इश्यूज की बात है, केवल देश ही उसका पक्ष निर्धारक नहीं होता, सिविल सोसाइटी भी उसका पक्ष निर्धारक होती है, उसका भी एक मत होता है जिसकी एक इम्पोर्टेंस होती है। मैं ये चाहता कि भारत में भी एक मत, कम से कम सिविल सोसाइटी या सरकार के बाहर का जो मत होता है, इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस का जो मत होता है, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका जो मत होता है, वो पूरे पुरजोर रूप में युद्ध के खिलाफ और रूस के द्वारा लिया गया निर्णय और आक्रमण के खिलाफ बोलकर सामने आना चाहिए था। ये नहीं कि आप केवल जो हमारे हमारी हमारी सरकार की जो एक नीति है या जिस निर्णय पे वो आगे बढ़ रहा है, केवल आप उसकी उसका गुणगान करें या केवल उसी को सपोर्ट करें या उसके पक्ष में दलीलें दें। दूसरा पक्ष मुखर होकर सामने आना चाहिए था, पहली चीज तो मैं ये कहूंगा। और भारत की आप देखेंगे, मुझे लगता है कि अगर ये युद्ध आगे चलता रहा और एक महीना और डेढ़ महीना या ये फंस गया, स्टेलमेट में फंस गया, तो ये जो हम जिस नीति को लेके आगे बढ़ रहे हैं इसमें रुकावट, डेड एंड किस्म की चीजें आ जाएंगी। एक स्थिति आएगी कि हमारे लिए ये एक गले की हड्डी किस्म का स्थिति बन जाएगी, और उसमें अगर लचीलापन नहीं रखा और उसमें इसमें महीन किस्म के ऐसे परोक्ष और अपरोक्ष संकेत नहीं दिए कि भाई हम, ऐसा नहीं है कि उनके साथ खड़े हो गए हैं या उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं रूस को इस पूरी नीति या इस पूरी कार्यवाही, रुख भारत को किसी ना किसी मोमेंट पे अगर बदलना नहीं होगा तो उसको संश्लिष्ट तो करना हो। अभी जो जो एक एक सिग्नल जा रहा है कि हम बिल्कुल उनके खिलाफ बोलने के लिए तैयारी नहीं है, ये मुझे नहीं लगता कि बहुत आगे चलने वाला है और इसमें बदलाव अपेक्षित है। अच्छा, कुछ चीजें जो, क्योंकि अभी प्रेस का जो पूरा नियंत्रण है दुनिया में वो निश्चित तौर पर पश्चिम के हाथ है, और जो थोड़ा बहुत दूसरी जगहों से आता है उसकी मात्रा बहुत कम है, और उसमें भी ये संदेह रहता है कि ये भी प्रायोजित है, सरकारी है, तो ये कितना सच है कितना गलत है बड़ी समस्या होती है। लेकिन कुछ इस कार्यक्रम को करने से पहले मैंने थोड़ा बहुत इसका अध्ययन किया, दूसरा पक्ष भी तलाशने की कोशिश की। उसमें एक तो बिल्कुल वो आपने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा कि पुतिन ने पूरा आर्ग्यूमेंट क्रिएट कर रखा है कि यूक्रेन कभी अलग था ही नहीं ऐतिहासिक तौर पर, और तमाम चीजें उन्होंने तर्क उसके गढ़ रखे हैं। इससे लगता है कि वो जो कर रहे हैं उसको सही ठहराने के लिए उन्होंने पूरा थियोरेटिकल काम भी किया हुआ था, लेकिन जो फैक्ट्स वहां के जमीन के हैं वो ये है कि वहां एक दक्षिणपंथी नाजी आंदोलन चल रहा है यूक्रेन में, और जिसको एक अजोव नाम का एक संगठन है, अजोव गार्ड्स करके, जो आपने देखा ही होगा उसका सही नाम भी आपको पता होगा, और उन लोगों को अमेरिका आर्म कर रहा था पिछले काफी समय से। कई बार वो लोग पकड़े गए और कई बार उन्होंने एक मारियापोल जो शहर है जिसपे इस समय रूस का सबसे ज्यादा जोर है, इस शहर पे कब्जे की लड़ाई, वहां एक हिस्सा है जिसमें दो प्रांत आप कह सकते हैं जो रूसी आबादी से के घनत्व वाले, जैसे क्रीमिया भी पहले था, उनके और गैर रूसी आबादी वालों के बीच एक गृह युद्ध काफी समय से चल रहा था। उसमें पश्चिमी देशों का समर्थन उधर था और इसीलिए उनके नाटो में जाने वाने की बात थी। उसी में एक तीसरी शक्ति है, अजो नाम का एक संगठन सामने आया जो बिल्कुल नाजीवाद का समर्थक है, हमारे यहाँ के उस संगठन की तरह ऐसे करके पूजा उजा करता है, स्वस्तिक लगाता है, आर्म होने के लिए उसने अपने को तैयार किया हुआ, आर्म ट्रेनिंग देता है, और उसको अमेरिका से मतलब जो आरोप है वो कि CIA उसको
हथियार सप्लाई करता है, क्योंकि जो हथियार उसने इस्तेमाल किए हैं वो यूएस के ही हैं तमाम जगहों में। और उसने जो इनका गृहयुद्ध था उसमें कई जिलों की मारियोपोल समेत उनकी दशा दशा उन्हीं हथियारों के बल पर बदल दी थी। तो एक देश जो रूस की तरह है, जो एक महाशक्ति एक समय था, भले ही यूएसएसआर के रूप में टूट गया 91 में, लेकिन आज भी दुनिया में हथियार सप्लाई में उसका 1/5 हिस्सा है। भारत 60-70% उस पर निर्भर ही है, चीन भी उससे खरीदता है, बहुत सारे देश खरीदते हैं, और वो समझता है कि उसके पास बहुत सारे हथियार ऐसे हैं जो उसे अभी भी महाशक्ति बनाए रखते हैं। तो अगर उसकी इसमें थोड़ा बहुत दोष आपको पश्चिम और खासकर अमेरिका का नहीं लगता कि इस समय जब रूस बहुत तुलनात्मक रूप में कमजोर था, रूस से कोई ऐसा खतरा नहीं था, तो अगर अमेरिका ने वहां के एक इंसर्जेंट ग्रुप को आर्म किया है, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं, वही रिपोर्ट जैसे दूसरी तरफ से है वैसी रिपोर्ट इधर से है, लेकिन अगर ऐसा किया है, चूंकि अमेरिका ये सब करता रहा है सारी दुनिया में, ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका को दूध का धुला है, अमेरिका ने तो इससे बहुत ज्यादा खून पूरे गल्फ में बहाया है, बहुत सारे देशों में इराक को खत्म ही कर दिया, अब पता चला कि वो सब झूठ था, कोई WMD नहीं था। तो ऐसी स्थिति में रूस जैसा कोई देश इसके अलावा क्या कर सकता था, मैं ये भी जानना चाहता हूं, जरा उनका पक्ष भी जान लिया जाए। देखिए, आप जो बातें कह रहे हैं ये बातें काफी जोर शोर से बार बार कही जाती हैं। इम्पीरियल ताकतें का जो इतिहास रहा है उसका क्रिटिसिज्म हो, भरपूर हो, कॉलोनियल ताकतें जो रही हैं उसका क्रिटिसिज्म हो, भरपूर हो, यूएस के जो नीतियां रही हैं अफगानिस्तान में जो उन्होंने किया, वियतनाम में किया, मिडल ईस्ट में, लीबिया में वगैरह में किया, जो कि आप भरपूर जानते हैं कि वो इस्लामोफोबिया का जो फैलाव हुआ 9/11 के बाद से, और जिसका फैलाव वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन थ्योरी के अंतर्गत काफी लोगों ने उसको उसको उसकी वकालत की और जिसकी खिलाफत बहुत से लोगों ने की। हमारे भी एक एक राइटर हैं पंकज मिश्रा, जो लगातार इस्लामोफोबिया की खिलाफत करते रहे। ये एक विडंबना है कि भारत जैसा देश जहाँ पे इस्लामोफोबिया का कोई ना कारक था ना कारण था शताब्दियों से, हजारों सालों से, वो इस समय सबसे बड़ा हिमायती इस्लामोफोबिया का बना हुआ है। इस्लामोफोबिया की वजह से अधिकांश जो यूएस ने वॉर लड़े अफगानिस्तान से लेके मिडल ईस्ट में, वो उनकी जड़ वही थी। तो संश्लिष्ट बहस तो हमेशा हो सकती है जिसमें दोनों पक्षों के बारे में तरह तरह की बातें, तरह तरह की चीजें कही जा सकती हैं। ये कहना कि वहां पर कुछ हद तक जो रूसी आबादी के लोग हैं और एक ऑटोनोमस रीजन बनने या बनाने की बात थी वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें हैं। जिन शख्स का आपने जिक्र किया, जिस पार्टी का, वो न्यू नाजीज का जिक्र किया, वो भी एक फैक्ट है, लेकिन कुल मिलाकर इससे इनकार कोई नहीं कर सकता कि यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट जनतांत्रिक देश है। वहां पर ये जो सारी चीजें कही जा रही हैं कि अन्याय, अत्याचार, और जो रूसी बोलने वाले हैं उन लोगों का अधिकारों का हनन, ये कुल मिलाकर कुछ हद तक सही है, लेकिन ये वहां का आम रुख नहीं है। अगर इस बिना पे आप आगे चलेंगे तो फिर जब हम किसी टेररिज्म के इशू की चर्चा करते हैं, नक्सलिज्म की चर्चा करते हैं, या कहीं पे भी दुनिया में जहां पर लोगों को शिकायतें हैं और जो लोग लामबंद होते हैं या हथियार ग्रहण कर वायलेंस के माध्यम से अपने हक जीतने की कोशिश करते हैं, फिर तो सबका केस बनता है। लेकिन मैं एक सवाल करना चाहूंगा यहाँ पर। जी जी, अगर आज रूस समर्थ होता, जो नहीं है, अगर वो उस तरह से होता जैसे एक समय में था, लेकिन या उससे ज्यादा होता जैसे अमेरिका है, अगर अमेरिका की तरह रूस होता और मैक्सिको में वो यही कर रहा होता जो अमेरिका ने यूक्रेन में किया, आपको क्या लगता है अमेरिका क्या करता मैक्सिको में उस समय?
या क्या करेंगे? ये काउंटर फैक्चुअल किस्म के जो सवाल जवाब हैं, ये हमारी जो जो देश के भीतर की समस्याएं हैं उसके जिक्र में भी काम नहीं करते हैं और बहस को हमेशा संश्लिष्ट न करने की बजाय से बिगाड़ सा देते हैं। मतलब कुछ चीजें साफ होनी चाहिए हमारे दिमाग में, कुछ चीजें नॉन निगोशिएबल होनी चाहिए। आपने जो भी बातें कही अगर मैं उन्हें एक स्तर पर मान भी लेता हूं तो कि डोनेस्क और वो जो दो रीजन है वहां पे ऑटोनॉमी का हिसाब होना चाहिए था। मेरा कहना ये है कि सारी चीजें संभव थी इस साल भी, इस समय भी, महज अच्छी एक लगातार स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी के माध्यम से। बहुत से लोगों का मानना है और मैं उनसे सहमत हूं कि महज डिप्लोमेसी के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से, कड़े रुख के माध्यम से रशिया वो सारी चीजें मनवा लेता या उस पर सहमति बनती या कोई बीच का रास्ता निकलता कि रूस की जो अपनी सुरक्षा की जो के जो उनके विषय हैं, जो कि महत्वपूर्ण विषय हैं कि यूक्रेन उनके बिल्कुल बगल का राज्य है, वो अगर नेटो में शामिल हो जाता है तो उससे एक दिक्कत पैदा हो, सामरिक दिक्कत पैदा होती है, वो तय हो सकती थी, उनके ऊपर नए सिरे से एग्रीमेंट्स या नेगोशिएशन हो सकते थे। ऐसी उसकी जगह आप एक पक्षीय अचानक ऐसा हमला जैसा किया गया और ऐसा वॉर जैसा चल रहा है जहां पे आपने सारे नियम ताक पे रख के आप सिविलियंस को मार रहे हैं, आप मतलब इससे बदतर युद्ध नहीं हो सकता। और युद्ध विराम करने के लिए उसको यूक्रेन ने, आफ्टर ऑल ज़ेलेंस्की ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो नेटो की वो मेंबरशिप नहीं लेंगे, वो तमाम चीजें कह रहे हैं। इस पे मास्टर पुटिन जो है ये तो कोई रुख अपना अख्तियार नहीं कर रहे हैं, वो बैठे बैठ के बड़ी ही मिस्टीरियस किस्म की, रहस्यमय किस्म की वक्तव्य देते रहते हैं और हर चीज जो वो खुद कर रहे हैं उसका वो उसका जिम्मेदार वो ठहरा रहे हैं यूक्रेन को। तो आप ये देखें कि इसमें जो जो दो आपने दो चीजें पेश की, दो तर्क पेश किए या दो इंटरेस्ट पेश किए, उसमें वजन किसका ज्यादा बन रहा, क्या ये काफी नहीं है कि ज़ेलेंस्की ने जब कहा है कि वो इस पे बातचीत करने को तैयार है कि ठीक है हम नेटो की मेंबरशिप नहीं लेंगे या हम मतलब इस पे हम बातचीत करने को तैयार हैं, हम ऑटोनॉमी पे भी बातचीत करने को तैयार हैं वगैरह, इज़ इट इनफ? एक चीज ये तो उन्होंने कहा है, लेकिन जो उन्होंने किया है मैं उस पे आना चाहता हूँ। जो वार्ता के लिए पहले 6 लोग भेजे गए थे उसमें से जो आदमी बीच की बात कर रहा था उसको आने के बाद इसी राइट विंग वालों ने काट काट के टुकड़े करके फेंक दिया, ये शायद आपकी जानकारी में होगा। और इसके बाद अब उस टीम में कोई ऐसा आदमी नहीं जा रहा है जो बीच की बात कर सके। वो जनरली बातचीत हो रही है, ऐसा नहीं कि बात नहीं हो रही, बात 3 चरण में हो चुकी है, फिर होने वाली है। लेकिन इसमें तो ये भी तथ्य है कि दूसरी तरफ से भी ऐसे लोग हैं परिधि में जो बातचीत से कोई हल तक पहुंचने नहीं देना चाहते। बयान देना अलग चीज है, आप बंकर में बैठ के एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन जो आप टीम भेज रहे हैं उसमें जो आदमी बीच की बात कर रहा है उसका मर्डर करवा दे रहे हैं। मैं इस बहस शीतल जी, मैं इस बहस में आगे जाना ही नहीं चाहूंगा क्योंकि ये बहस फिर ये केवल उलझने के अलावा और कुछ नहीं करेगी। मैं केवल इसका एक काउंटर इसका इस तरह से रखता हूं, आक्रमणकारी कौन है, यूक्रेन है कि रशिया? तो किसकी जिम्मेदारी है युद्ध विराम करना? रूस की, या युद्ध को समाप्त करना? रूस। बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई, इसके बाद बात खत्म हो गई। ऐसे आपने जितने भी आर्गुमेंट दिए आप मुझे एक भी तर्क ऐसा पेश नहीं कर पाएंगे, एक भी एविडेंस नहीं कर पाएंगे। वो सवाल रखे जो सवाल है। नहीं, अभी तक आक्रमणकारी की तरफ से ऐसी कोई पेशकश नहीं हुई है जो ये दिखाए या ये दर्शाए कि वो इस युद्ध को पे विराम लगाने में इंटरेस्टेड है कि नहीं है। वो अपनी तो मेरा मैं कोई इसमें विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं ये स्पष्ट कर दूं, लेकिन मानवीय जो मेरे मूल्य हैं वो मुझे ये जतलाते हैं
और ये मजबूर करते हैं निर्णय लेने पर कि अगर एक आक्रमणकारी सिद्ध है कि जो आक्रमण करता है, दोष पहला उसी के ऊपर मढ़ा जाएगा, दूसरी उसके तर्क तभी सुने जाएंगे जब वो आक्रमण को समाप्त कर दे। आक्रमण करते हुए आप ये कहें कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, ये मैं समझता हूं कि एक बहुत ही खतरनाक तरीका है चीजों पे बहस करने। आज भी फिर इससे आज हम लोग इसको यहाँ पे रोकते हैं, लेकिन इस पे हम लोग फिर दूसरे तीसरे दिन बात करेंगे जी जी जब और डेवलपमेंट हो जाए, क्योंकि ये एक अभी तो ऑनगोइंग युद्ध है। और जैसा आपने कहा बिल्कुल, ये एक बहुत फैसिनेटिंग चीज है और ये एक बहुत मजेदार इंटरेस्टिंग चीज ये भी है। विडंबनाएं इसमें इतनी ज्यादा है कि हम कि जो लोग इस समय पूरे जी जान से लगे हुए हैं रूस की तरफ से वकालत करने में कि भाई रूस के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई और देखिए अब ये जो वेस्ट के जो ये जो हालांकि रूसी भी क्या कहते हैं गोरा होता है, लेकिन वो गोरे से मतलब यूरोप और यूएस हुआ, उनकी भर्त्सना करते नहीं थकते कि ये जो हिपोक्रिटिकल लोग हैं ये कहने को फ्रीडम की बात करते हैं लेकिन ये पीछे से केवल शक्ति का इस्तेमाल और शक्ति प्रदर्शन और ये बेसिकली रशिया को जो है नेस्तनाबूद करना चाहते हैं वगैरह। लेकिन ये तर्क वो जब अगर हम बातचीत करते हैं हमारे देश के भीतर की समस्याओं को या हम बातचीत करते हैं लेट अस से लेफ्ट के इश्यूज के ऊपर या जो लोग फार्मर के इशू फार्मर को ने हिंसा कर दी और रिपब्लिक डे पे क्या हो गया, तो तब इन लोगों की बहस बिल्कुल बदल जाती है। तब तो लगता है कि एक कंकड़ भी फेंक दिया तो न जाने क्या बहुत बड़ा गुनाह हो गया। यहाँ पर वहां पे लोग जो है मिसाइल्स आप गिरा रहे हैं उसकी आप वकालत कर रहे हो, आप देखिए विडंबना। उसी तरफ किसी ने कंकड़ फेंक दिया उसकी आप भर्त्सना करते नहीं थक रहे हो। इस चीज पे हमको आगे बातचीत करनी है। जी 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 जी, इस हिपोक्रेसी पे अगली बार बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, एक नई तरह की बातचीत हम लोगों ने की है, पता नहीं लोगों को कितना इसमें आनंद आएगा या नहीं आएगा या तो कुछ लगेगा कि कुछ बातें रह गई वो बताएंगे, तो फिर उसको सबको मिला के फिर आपसे बात करेंगे और अन्य लोगों से भी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।